हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। एक्सपो क्या होता है मैं पहले ये बता दूं। एक्सपो वो होता है कि एक तरह से ब्रांड को प्रचार करना, ठीक है। आपको ब्रांड में हाईलाइट लाना, मार्केट में आपको उसको पहुंचाना, एक तरह से जैसे हम वेबसाइट बनवाते हैं कोई भी, ठीक है। तो एक तरह से हम अपने कंपनी का प्रचार करते हैं और प्रोडक्ट की प्रचार करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग का। जैसे एक्सपो होता है तो एक्सपो में आपको कंपनी का प्रचार का काम ये होता है कि उसमें आपको बेनिफिट आपको अच्छा मिलता है और कंपनी का भी बेनिफिट अच्छा मिलता है, तो इसलिए प्रचार करता रहता है। और उसमें जो प्रोडक्ट वगैरह सेलिंग होता है तो एक तरह से बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से मिलता रहता है। छूट बहुत अच्छा मिलता है, आधा दाम पे मिल जाता है। और नोएडा में है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी जाते हैं एक्सपो में, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं तो अच्छी बात है, तो जाना भी चाहिए। तो चलो मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ और देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ मैटर लिख लेते हैं। मैटर मेरा रहेगा कम से कम लगभग 72 के, ठीक है। EXPO, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाऊँगा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन ये बना रहा हूँ। हमारा ये सारा जो मैटर है सब ये अलग रहेगा, हालांकि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से जो फॉन्ट है, फॉन्ट हमारा साइज चेंज हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा बिजनेस, ठीक है। इसको हम शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे धर देता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पे रख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ या फिर इतना पे रहने देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसके राइट में कर देता हूँ, इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके बराबर ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ और मैटर लिखा हुआ है तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2024, ठीक है। यहाँ पे भी इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एकदम ई के बराबर में होनी चाहिए। इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो नीचे मैटर है उसको भी लिख लेते हैं। डिस्कवर है, डिस्कवर, ठीक है। डिस्कवर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ये चीज़ हमारा लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख धर देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। थोड़ा सा छोटा करने के बाद अभी इसको यहाँ से थोड़ा सा और छोटा करके इसके कलर भी हम चेंज करेंगे, ठीक है।
कलर भी चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से अलग अलग कलर बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगा, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसमें हमारा तो चलो वाइट ही रहने दो, ये वाइट ही चल जाएगा। और इस वाले में जो कलर ये भाई ने डाला है यही कलर हम डाल देते हैं, ठीक है। और ये इसमें तो खैर ब्लैक है ही, तो ब्लैक को भी ब्लैक ही डाल देता हूँ। और इस वाले में ठीक है, अब इन दोनों को इस वाले को पकड़ के नीचे भेज देता हूँ, इसको भी नीचे भेज देता हूँ। जो हमारा मैटर है इसको मैं टॉप में ले लेता हूँ। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो ये हमारा कलर यहाँ से कर सकते हैं चेंज, ठीक है। और यहाँ से इसके भी कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला कलर चूज कर लेते हैं। और इसमें हम ये वाला कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। जो नीचे हमारा रहेगा वो दूसरा कलर रहेगा, ये वाला कलर रहेगा, ठीक है। अभी ये वाले में वाइट हो जाएगा। अब हम एक काम और करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और छोटा कर देंगे, ठीक है। छोटा करने के बाद एक और बॉक्स लेंगे, इसको थोड़ा सा राइट लेंगे, इसको हम कर देंगे ब्लैक, या फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद यहाँ पे ये कुछ अलग अलग सा दे रखा है, तो हम भी ऐसे ही कुछ बना लेते हैं, तो देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। तो ये रहा पॉलीगन, और यहाँ से हम अलग शेप में कुछ कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इस टाइप के बना लेते हैं, इसमें हम कलर नन कर देते हैं। और इसकी जो आउटलाइन है लगभग 3 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट पे, तो मैं 8 पॉइंट पे ना करके इसको 4 पॉइंट पे कर देता हूँ और सेम यही कलर में रख देता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला कलर चूज करके इसमें फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों को पकड़ के इसके तो आउटलाइन डन कर देता हूँ, इसको मैं ये वाला ऊपर कर देता हूँ। और ये हमारा एक तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ से हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। तो हाल मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ, तो यहाँ कट क्या करें, अभी देखें हमने कट भी किया, ठीक है, कुछ अलग भी बन गया, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, खैर यही रहने देता हूँ, यही चल जाएगा मेरा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको ग्रुप कर देता हूँ, इसको अलग अलग वेश में इसको कलर कर देता हूँ। फिर यहाँ सिला के इसको अलग, अभी यहाँ अंदर की जो कलर है इसकी कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और इन सभी को पकड़ के अल्ट दबा के सी दबाएंगे, फिर पावर क्लिप कर देंगे इसमें, ठीक है। पावर क्लिप करने के बाद इसमें हम यही कलर फिल करते हैं, ठीक है। और इसमें
अभी देखें हमारा जी ये कलर है, थोड़ा सा ये मैच तो कर रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से जो कलर ये है वही चल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो चलो यही वाला कलर ही दे देते हैं और देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। चलो अच्छा लग रहा है, और भाई क्या दिमाग से लगाए ये कलर, अच्छी बात है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से अलग अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वाले डिज़ाइन को देखेंगे देखूँगा कि इसकी कलर बेस क्या है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये डिज़ाइन कैसा है और ये डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, तो आई थिंक चलो अच्छी है। अभी देखें ये जो मेरा ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन मेरा दिखाई नहीं देगा प्रिंटिंग में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और मोटा कर देता हूँ, तो इसको मैंने मोटा कर दिया है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर लेने के बाद जो हमारे बिजनेस लिखा है और 24, इसको थोड़ा सा साइड करके, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं दबा देता हूँ, और ये भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद इन दोनों को पकड़ के यहाँ से जाएंगे, इसको मैं हल्का हल्का कलर यही वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें हम बहुत हल्का सा कलर कम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पावर क्लिक कर देता हूँ, इसको अंदर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसके एंगल चेंज कर सकते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और इसको मैं यहीं पे ले आ देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो कलर वेश है इसको मैं थोड़ा सा कम वैसी तो कर ही देता हूँ, हालांकि ये कलर में चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो खैर चल जाएगा, और इसको ये भी कलर हमारा यही वाला चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यही वाला कलर हम फिल कर देते हैं, और इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसे भी फिल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम नीचे भेज देते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो मेरे ख्याल से खैर यही वाला तो सही था। और मैं इसको और कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं, हालांकि कोई बात नहीं, और इसको हम यहाँ से भी छोटा करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारा डिज़ाइन कैसा लगा, और आप बताएं कि कमेंट करके
वीडियो मेरा और इस ये जो सैंपल लिया मैंने, ये सैंपल है, ये मेरा डिज़ाइन है जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, जो मैंने बनाया है। तो एक तरह से आप अगर कॉन्सेप्ट लेकर के डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय।